मीडिया का मतलब होता है आवाम की, गरीबों की, मजदूरों की, कमजोर की आवाज को उठाना, मगर ये लोग अपनी दलाली और चमचागिरी के आगे, सत्ता की हिस्सेदारी के आगे हिंदुस्तान की जनता के जज्बातों का कत्ल कर रहे हैं और बेईमानी कर रहे हैं। ये सरकार नहीं चाहती लोग आपस में मिलकर रहें, डिवाइड एंड रूल। अगर डिवाइड एंड रूल अंग्रेज की यारते हो तो हमारे देश के नहीं थे, ये तो हमारे देश के कर रहे हैं। अगर डिवाइड एंड रूल नहीं होगा तो इनका राज नहीं चलेगा। सरकार ने विश्वास का कौन सा काम किया 7 सालों में जो आप विश्वास कर लें? इतने भरोसे दिए 2 करोड़ नौकरी हर साल लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, स्मार्ट सिटी बनेगी, देश तरक्की करेगा, देश तो और उल्टा बर्बाद हो गया। ऐसे LIC को बेचेंगे, फिर रिलायंस का इंश्योरेंस चलेगा, ये तो पूंजीपतियों को पालने में लगे हुए हैं। देखिए मौजूदा हालात जो हैं इससे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता के अपने मामलों पर कोई बोलने वाला नहीं है, जनता के जख्मों पर मरहम रखने की कोई बात नहीं कर रहा है, जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है कोई इस बात को नहीं कर रहा है। इस वक्त जो माहौल बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है ताकि देश की जनता अपनी निजी समस्याओं में उलझ जाए और हुकूमत से सवाल करने बंद कर दे, और हुकूमत यही चाहती है कि हम आराम से अपनी हुकूमत चलाते रहें और जनता हमसे कोई सवाल ना करे। और विदेशों में इसका इतना गंदा मैसेज जा रहा है कि जो लोग इस मुल्क की हिफाजत के लिए बैठे थे, जो लोग इस मुल्क की सेवा के लिए बैठे थे, उन लोगों ने अपने ही मुल्क की जनता को अपने गुंडों के जरिए से मरवा दिया, कत्ल करवा दिया, कत्ले आम फैला दिया, एक मुल्क का जो है बेड़ा गर्क करके रख दिया। जनता इस बात से बहुत परेशान है। जो दंगाई थे, कहा जा रहा है कि वो यहाँ के नहीं थे, बाहर की, इससे ये कहाँ तक सही बात है? देखिए दंगाई यहाँ के नहीं थे, बाहर के थे, इसका मतलब ये नहीं कि विदेश के थे। नहीं, नहीं, नहीं। दंगाई जो है वो दिल्ली के नहीं थे। हाँ। क्योंकि दिल्ली की जनता अवेयर है, दिल्ली की जनता सज्जन है, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी और समझदार है, दिल्ली की जनता जानती है देश कैसे चलता है, देश को किस चीज़ की ज़रूरत है। और दिल्ली से बाहर से जो अनपढ़ जाहिल किस्म के लोगों को इकट्ठा करके लाया गया था, मज़हब के नाम पर भड़का कर उन लोगों को लाया गया था, मज़हब की सच्चाई से बहुत दूर रख कर उन लोगों को लाया गया था, उन लोगों का इस्तेमाल किया गया जैसे पेड वर्कर लाए गए और ला करके अपनी ही जनता को अपने ही शहर में अपनी ही हुकूमत ने मरवाने का काम किया। ये बहुत ही घिनौना काम है। तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, तमाम मीडिया हैं, वो सवाल नहीं उठा पा रहे हैं कौन लोग थे, कहाँ से आए हुए थे। शाइन बाग तमाम देश में हर जगह शाइन बाग लगातार पैदा हो रहा है, उसको पूरा दिखा नहीं पा रहे, क्या वजह क्या है? देखिए शाहीन बाग में जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, देश के सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि वो उनका अधिकार है और किस किस तरह से काम कर सकते हैं ये भी बता दिया, लेकिन एक तरह से माहौल को बदलने की कोशिश की गई कि एक बहुत बड़ा मजमा सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहा है कि आप इस कानून को वापस ले लीजिए। सरकार ने नाक की लड़ाई बना ली और अपने गुंडों को फील्ड में उतार दिया कि अब किसी भी तरह से इन धरनों को, प्रदर्शनों को हम कुचल के रख देंगे और किसी की बात हम नहीं मानेंगे। आम जनता की बात मीडिया क्यों नहीं उठा पा रही? जनता की बात मीडिया यूं नहीं उठा पा रही है कि मीडिया के ज़्यादातर घराने जो इस सरकार में, हुकूमत में, सत्ता में साझीदार हैं, जो मलाई चाट रहे हैं सत्ता की, जो सत्ताधारियों के जूते चाट रहे हैं, वो भला अपनी ज़बान पर से सत्ता के जूते का जायका कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक है, दूसरा तीसरा सवाल मेरा ये है कि शाइन बाग में जब कुछ मीडिया घराने के बड़े मीडिया जिसको बोलते हैं लोग वहाँ पर आए थे, उन्हें बायकॉट किया गया, क्या बायकॉट करने की उसकी जो पीछे की नीति थी वो क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए आप एक बात समझ लीजिए कि हमारे देश में बेईमान लोग भी रहते हैं, चोर भी रहते हैं, साहूकार भी रहते हैं, ईमानदार भी रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। उसी तरह से मीडिया एक जो है स्तंभ है लोकतंत्र का, इसकी आड़ लेने के लिए कुछ चोर किस्म के लोग, कुछ बेईमान किस्म के लोग, कुछ दलाल किस्म के लोग, कुछ चापलूस किस्म के लोग इस बेहतरीन स्तंभ के आड़ में आ चुके हैं, उन्होंने हाथ में माइक थाम लिया है, और जो एक नंबर के ब्लैकमेलर हैं वो लोग इस लाइन को गंदा करने के लिए एक मिसाल है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, यहाँ तो बीसियों गंदी मछलियाँ इस मीडिया के क्षेत्र में उतर चुकी हैं और पूरे क्षेत्र को बदनाम करके रख दिया है। मीडिया का मतलब होता है आवाम की, गरीबों की, मजदूरों की, कमजोर की आवाज़ को उठाना, मगर ये लोग अपनी दलाली और चमचागिरी के आगे, सत्ता की हिस्सेदारी के आगे हिंदुस्तान की जनता के जज्बातों का कत्ल कर रहे हैं और बेईमानी कर रहे हैं। आप सरकार पे क्यों नहीं विश्वास करना चाह रहे? सरकार कह रही है कि NRC लागू नहीं होगी देश में। सरकार ने विश्वास का कौन सा काम किया 7 सालों में जो आप विश्वास कर लें? इतने भरोसे दिए 2 करोड़ नौकरी हर साल लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, स्मार्ट सिटी बनेगी, देश तरक्की करेगा, देश तो और उल्टा बर्बाद हो गया। अगर तरक्की करता तो बैंक की नई शाखाएं खुलती, नए नए उद्योग लगते, पुराने सारे उद्योग डंप हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए। आज मजदूर
आज मजदूर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए दो वक्त की रोटी कमाने पर मजबूर है, मार्केट से मजदूरी गायब हो गई है, तो किस बात पर भरोसा करें? भरोसा नहीं करना, किसी पे तो करना पड़ेगा ना भरोसा। किसी पे भरोसा करेंगे? देश की जनता भरोसा करेंगे? इलेक्शन आएगा, इनको मार के भगाएगी जनता? आपने वही काम तो किया दिल्ली में, केजरीवाल को वोट दिया, रिजल्ट क्या निकला? ये दिल्ली में केजरीवाल ने थोड़ी मारा लोगों को, कन्हैया कुमार पे एफआईआर आदेश दिया, वो मार। एफआईआर एक कानूनी प्रक्रिया है, पता नहीं उसकी कितनी लंबी चौड़ी वो चल रही थी जांच। पहले कहा थी, 5 साल पहले कहाँ थी और अब कहाँ थी? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये कि अब देश के हालात क्या हो रहे हैं और कौन कर रहे हैं लोग। इन बातों को कहकर इसका मतलब ये है हम देश की जनता के जज्बात से खिलवाड़ कर रहे हैं और असल मुद्दों से लोगों को हटा रहे हैं। केजरीवाल सही काम कर रहे हैं कन्हैया कुमार के ऊपर एफआईआर का आदेश देने का? केजरीवाल कन्हैया कुमार के ऊपर एफआईआर थोड़ी करेगा, दिल्ली पुलिस करेगी। परमिशन एक कानून के दायरे में रहकर के मांगी गई होगी, उन्होंने पूरी की होगी। दिल्ली में हिंसा हुई है, कहीं ना कहां भूमिका समझते हैं इनकी, क्या भूमिका समझते हैं? देखिए भूमिका जिन लोगों की थी उन लोगों की है, उन्हीं लोगों की रहेगी। केजरीवाल कोई गलती नहीं है, केजरीवाल की इसमें क्या भूमिका? केस कन्हैया कुमार लगातार आपके सपोर्ट में बात उठा रहे हैं, तो आप वो इस हिरासत में आएंगे उस पे क्या कहेंगे? कन्हैया हमारे फेवर में बात नहीं उठा रहा, कन्हैया देश के फेवर में उठा रहा है। हिंदू मुस्लिम लड़ रहे जिस स्थिति हो रही है, क्या देख रहे हैं इस बात की? ये बात हमें बीजेपी को वोट देने से पहले देखनी चाहिए थी कि जिस पार्टी की नींव ही धार्मिक और सांप्रदायिक जातिवाद आधार पर रखी हो उसको चुनना ही जनता की गलती है। और दूसरी बात रही है जहां भी जाएंगे वहीं दंगा कराएंगे। ये बंगाल में दंगे क्यों है? इनको पहले ये जम रहा था कि यूपी में तुम्हारी हार है, बंगाल में ममता को क्या समझते थे कि वो दीदी है। अमित शाह इस गलतफहमी में रह गए, ममता को दीदी समझने की में, अब ममता हो चुकी है दादी। यही कारण था वो दादी काबू में नहीं आई, दीदी होती तो काबू में आ जाती, ममता होगी दादी। और ममता में मोदी में भी कोई फर्क नहीं है, दोनों ही संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो दंगा नहीं हो रहा ना? पहले नहीं हुए, नहीं होगा कभी भी दंगा। लोकसभा के उसमें नहीं हुए थे, कितने आदमी मरे थे? बीजेपी ने करवाए वहाँ पे। हाँ तो बीजेपी तो करवाती और करवाता कौन है? जिनकी मानसिकता ही सांप्रदायिक हो तो यही काम कराएंगे वो। वो तो कह रहे हैं विकास बहुत ज्यादा हो रहा है दिल्ली में, पूरे देश में मोदी शाह जी कह रहे हैं विकास बहुत तेज हो रही है। विकास को तो छुपा रहे थे दीवार के पीछे, कभी विकास का चेहरा ना देख ले। ट्रंप जितने खर्चे में दीवार हुई, बहुत से आदमियों की इतने खर्चे में गरीबी दूर हो सकती, ये इनका स्टैंड है। और गुजरात मॉडल 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, 20 हो गया, ये कायल थे गुजरात मॉडल दिखाने के लिए, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दिखा दिया, ये है गुजरात मॉडल। अब क्या लोग कैसे बचकर, जब इतना दंगा हो रहा है पूरे दिल्ली में माहौल, लोगों ने खुद मिलकर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं आपस में मिलकर भाईचारा कायम करना पड़ेगा और नेताओं से दूर रहना पड़ेगा। खुद अपनी ताकत से बच सकते हैं, वो सरकार के भरोसे नहीं बचेंगे। फिर दिल्ली पुलिस का लालच, दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं मजबूरी हो सकती है। प्रकाश सिंह डीजीपी रहे हैं फॉर्मर यूपी पुलिस के, उसने भी सवाल उठाए हैं, कोर्ट ने भी सवाल उठाया है। ये दिक्कत तो क्यों है? सेम रैंक के हैं दो स्पेशल सीपी, एक को तो लगा देंगे ये डीजी होमगार्ड क्योंकि उसकी पहुंच नहीं है एमएचए में, जिसकी एमएचए में पहुंच होगी वो लग जाएगा सीपी दिल्ली। सेम रैंक इनका फर्क देखो, अगर ट्रैफिक पर पॉइंट पर एक सिपाही बैठा है बूथ में और कोच को कहे भाई डीजी होमगार्ड आ रहा है तो क्या कहेगा? डीजी होमगार्ड ये तो निकल जाएगा, कौन सा सीपी आ रहा है? ये फर्क है। शाहीनबाग पर क्यों हमला हो रहा है लगातार? शाहीनबाग जामिया जहां पर लोग, शाहीनबाग पर इसलिए अटैक हो रहा है वहां से जो है ये मुसलमानों का मंच नहीं है, ये संविधान को बचाने का मंच है और ये निचारे संविधान बचे हैं। वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो रहे हैं, ये सरकार नहीं चाहती लोग आपस में मिलकर रहें, डिवाइड एंड रूल। अगर डिवाइड एंड रूल अंग्रेज की यार थे तो हमारे देश के नहीं थे, ये तो हमारे देश के कर रहे हैं। अगर डिवाइड एंड रूल नहीं होगा तो इनका राज नहीं चलेगा। सीतारमन कह रहे जीडीपी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा, सब कुछ चंगा चल रहा है, क्या बात है? कहाँ? दिल्ली देश में चलेगा इनके नज़र से तो काम करता है ना, कोई भी ठीक काम गिना दो 2014 से अब तक।
अब से पहले किसी ने इतनी हिम्मत की थी जो हर चीज सरकारी संस्था को बेच रहे हैं और क्या करे घाटे की संस्थाओं को बेच रहे हैं। कौन लेगा घाटे की संस्थाओं को? एचपीसीएल बीपीसीएल घाटे का है, पूरी इकोनॉमी चल रही है इससे, इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। रेलवे बेच दी, एमटीएनएल बीएसएनएल देख लो खाली हो गए, जबरदस्ती लोगों को वीआरएस दे दी। अगर एमटीएनएल बीएसएनएल बर्बाद हुआ तो जियो चले ना, अब ऐसे एलआईसी को बेचेंगे, फिर रिलायंस का इंश्योरेंस चलेगा। ये तो पूंजीपतियों को पालने में लगे हुए हैं। मतलब कहानी खत्म है, 5 साल अभी बीजेपी का, 4 साल तो और झेलना पड़ेगा, 4 साल में तो पूरा खत्म होगा, बर्बादी कर देंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। लेकिन अब जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होंगे वहाँ वहाँ बीजेपी को बैक गियर लग गया है, अब ये सत्ता में नहीं आएगी। जहाँ भी इलेक्शन होंगे हर जगह आ रहेगी, चुनाव ही नहीं होने देंगे दोबारा, ये भी हो सकता। तो ये तो संविधान खत्म करेंगे ना, बना देंगे ऐसा रूल भी है कि राजाशाही चलाऊंगे, इलेक्शन नहीं होगा। इस पर भी चल रहा है काम, क्या करें लोग, लोग क्या करेंगे? और लोग करने को सब कुछ कर सकते हैं, जनता की जो ताकत है उसके सामने कुछ नहीं टिक सकता, जनता सर्वोपरि है इसमें। लेकिन जनता को भी तो डिवाइड कर रहे हैं ना, उसको तो यूनाइट नहीं होने दे रहे ना, और यही कारण है राज कर रहे हैं।